नमस्ते दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोड नंबर 107 जो कि प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे तथा इसमें यूनिट नंबर 3 जिसमें आज हम सामान्य ज्यामितीय संरचना के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसमें, यूनिट का नाम है ज्यामितीय संरचना एवं ज्यामितीय इंजीनियरिंग वक्र। अब ज्यामितीय संरचना इंजीनियरिंग वक्र में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सर्कल हुए, रेखाएं हुई तथा विभिन्न प्रकार के बहुभुज हुए, ज्यामितीय समतल ज्यामितियाँ हुई आदि इसके अंदर आएगी। सर्वप्रथम हम इन जो साधारण इक्विपमेंट का यूज लेंगे उसके बारे में साधारणतः सिंपली उसको समझेंगे। सर्वप्रथम तो इसमें क्या होगा, सर्वप्रथम हम ये होते हैं सेट स्क्वायर, ये और ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर इनका प्रयोग, दोनों सेट स्क्वायर होंगे, ये साइड और ये साइड, इसमें ये साइड ये और ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, दोनों सेट स्क्वायर में सेम, ये 45 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, 30 60 90 45 90, ये है साधारण स्केल जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है तथा एक साइड सेंटीमीटर और एक साइड इंच को दर्शाया जाता है। ये है साधारणतः स्केल दूसरी जिसके अंदर 0 से लेकर 30 एम एम तक अंकित हैं तथा दूसरी साइड 1 से लेकर 0 से लेकर 12 तक इंच अंकित होते हैं। ये साधारणतः 8H वाली पेंसिल हैं जो मैं यहाँ यूज लूँगा। ये है 3H, ये है 2B, ये है HB, साधारणतः जो अपन 18 वाली यूज लेते हैं, और ये है 2H, ये है डिवाइडर जिसको बोलेंगे प्रकार, ये है एक मापनी और होती है अपने इसमें जिसमें ये कंपास है, सॉरी, और ये डिवाइडर होगा, ये विभाजक है, ये इरेजर, तो ये कटर या शॉर्पनर, इन सभी का इस्तेमाल करके आज हम ये अध्ययन करेंगे। अब साधारणतः फर्स्ट यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर फर्स्ट टॉपिक है एक सरल रेखा को समद्विभाजित करना। एक सरल रेखा को समद्विभाजित करना। सरल रेखा कुछ कितनी भी लंबी हो सकती है, हम ए तथा बी की लंबाई की सरल रेखा खींचेंगे जो 8 सेंटीमीटर है, मतलब 80 एमएम है, जिसका नाम हम बिंदु ए और बिंदु बी रख रहे हैं। बिंदु ए और बिंदु बी रख रहे हैं, प्रकार की सहायता से ये रचना डबल नहीं बताऊंगा मैं, यही रचना है बिंदु वाइज, प्रकार की सहायता से आधे से ज़्यादा चाप खोलेंगे इसको, ए बी रेखा के ऊपर तथा ए बी रेखा के नीचे चाप काटेंगे, बिंदु बी पर रखकर ए बी रेखा के ऊपर तथा ए बी रेखा के नीचे चाप काटेंगे तथा हमें बिंदु सी और बिंदु डी प्राप्त होंगे। इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो हमें ई बिंदु प्राप्त होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि ए ई बराबर ई बी,
या AE या EB, या तो AE होगा या EB होगा, किसके बराबर होगा? AB के आधे के बराबर। और यहाँ पे या है, और इन दोनों का जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे AB के का हाफ होगा। सेकंड बिंदु है, अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम दी गई रेखा को रेखा खींचेंगे AB, जिसकी लंबाई जो गिवन हो वो है, हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अतः ए तथा बी दो बिंदु बनाएंगे। ए बिंदु पर प्रकार रखकर आधे से ज़्यादा चाप ए बी बिंदु से ए बी रेखा के ऊपर तथा आधे से वही चाप ए बी बिंदु के नीचे ए बी रेखा के नीचे खींचेंगे। बिंदु बी को केंद्र बिंदु मानकर उन ए बी रेखा के ऊपर तथा ए बी रेखा के नीचे चाप का खींचेंगे तथा उन चाप से मिलती हुई हमारे को सी तथा डी बिंदु प्राप्त होंगे। सी तथा डी बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो ए तथा बी पर ई बिंदु पर मिलेगी। अतः ए ई बराबर ई बी होगा। सेकंड बिंदु है, किसी बाह्य बिंदु सी से, ये एक था ये दो नंबर, किसी बाह्य बिंदु सी से सरल रेखा ए बी पर लंब खींचना, सरल रेखा ए बी पर लंब खींचना। लंब कैसे होगा? ये ए होगा, ये बी होगा और यहाँ पे कोई बिंदु सी होगा, इससे इसको लंब खींचना है। इस प्रकार ये बिंदु मिलना चाहिए, ये रफली बना लेना है पहले अपने को। अब इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम सेंटर लाइन तो खींचना सीख ही गए हैं, अतः हम इस पर सर्वप्रथम दिए गए बिंदु से माना कि दिया गया बिंदु यहाँ पर सी है और ए बी रेखा ये है, ए और बी, ठीक, ए बिंदु ये, बी बिंदु ये। अब दिए गए बिंदु सी से हमारे को परपेंडिकुलर खींचना है ए बी के, जो बिंदु सी से होकर गुजरे। हमारे क्या करना है, सी पर केंद्र बिंदु मानना है तथा इतना वृत्त चाप को खींचना है कि वो ए तथा बी लाइन जो है, ए से बी लाइन, जिसके दोनों साइड अंदर ही काटे, बाहर नहीं जावे। इस प्रकार से चाप काटना है, इसी चाप को बिना हिलाए बिंदु हमारे क्या बिंदु प्राप्त होंगे, डी और ई। बिना हिलाए चाप को बिंदु डी पर रखेंगे, चाप काटेंगे, बिंदु ई पर रखेंगे, चाप काटेंगे। अतः बिंदु हमारे को क्या प्राप्त होगा, एफ बिंदु प्राप्त होगा। एफ बिंदु को सी से मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे वो एक सरल रेखा ए बी पर सी से होती हुई जो लाइन होगी सी एफ, वो ए बी पर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा। पॉइंट नंबर थर्ड, किसी दिए गए कोण को समद्विभाजित करना, किसी दिए गए कोण को समद्विभाजित करना, किसी दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। अब क्या करना है, कोई भी कोण दिया गया है, माना कि एक एंगल है अपने पास, प्रोटेक्टर भी था यहाँ पे, चांदा जिसको बोलेंगे अपन, प्रोटेक्टर की सहायता से सर्वप्रथम हम क्या करें, बिंदु 6 सम अष्टभुज बनाना, बिंदु 6 सम अष्टभुज बनाना, सम पंचभुज हो गया, सम षटभुज देख लेते हैं, 6 भुजाओं वाला है ना, सम षटभुज बनाना। उसी फॉर्मूले से 2n-4/n × 90°, n क्या है, भुजाओं का संख्या, n माना कि मैं क्या है,
अष्टभुज, षष्ठभुज, षष्ठ का मतलब छः भुजाएँ। छः भुजाओं में क्या होगा, 2 × 6 − 4/6 × 90°, 6 × 12 − 4, 8 × 6 × 90° बराबर 120° आएगा। प्रत्येक भुजा का कोण का नाम माप 120। अब हमारे क्या करना है, एक सम षट्भुज बनाना, छः भुजाएँ जिसके। अब सर षट्भुज बनाने की भी बहुत विधियाँ हैं, लेकिन सर्वप्रथम अपन सभी जितने भी पॉलिगन्स हैं उनमें एक ही विधि का अध्ययन करेंगे जो समान विधि है। माना कि हम 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm का सम पंचभुज, सम षट्भुज बनाना है। ए बी कोई रेखा है जिसकी दूरी है 40 mm। अब इस 40 mm की दूरी पर हमारे को कंपास की सहायता से बिंदु ए पर रखकर, सॉरी इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसका इसके ऊपर एंगल बना लेते हैं 120 डिग्री के। बिंदु ए पर रखूँगा 120 डिग्री, तो बिंदु लगाऊंगा। बिंदु बी पर रखूँगा 120 डिग्री का बिंदु लगाऊंगा। अब हमारे क्या करना है, ए से लेफ्ट बिंदु को तथा बी से राइट बिंदु को मिलाते हुए एक स्थायी या बिना लंबाई की रेखा खींचनी है। अब बिंदु ए से बी का प्रकार में चाप लेना है तथा ए की दिशा में तथा बिंदु बी पर बने रेखाओं को पर मिलाते हुए आर्क खींचना है। इस आर्क के बाद क्या करना, हमारे को सी बिंदु और एफ बिंदु प्राप्त होगा। ए से एफ और बी से सी बिंदु प्राप्त होगा। अब सी पर केंद्र बिंदु मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे तथा बिंदु एफ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में बिंदु मानकर, अतः हमें एफ से ये बिंदु तथा सी से इस बिंदु को मिलाते हुए एक बिना लंबाई की रेखा खींचनी है। इसी चाप के द्वारा सी से तथा एफ से आर्क खींचेंगे। इन दोनों आर्क को मिलाने के बाद हमारे को पूरा सम षष्ठभुज प्राप्त होगा, अतः हमें बिंदु ई और एफ मिलेंगे, डी ई और एफ। अतः हमें ए बी सी डी ई और एफ एक पंचभुज प्राप्त होता है। अब पंचभुज की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है प्रत्येक भुजा की, यदि हम प्रत्येक भुजा की लंबाई देखेंगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 mm ही आएगी, लगभग 40 mm ही आ रही है, आपको नज़र आ रही है वैसे भी। अब है सम अष्टभुज बनाना। सम अष्टभुज बनाने के लिए क्या होगा, सम अष्टभुज बनाना, सम अष्टभुज बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करोगे, एक इसी प्रकार से फॉर्मूले में n का मान रखना है और लास्ट में क्या n का मान क्या आएगा, प्रत्येक कोण का मान 135 डिग्री आएगा। अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि एग्ज़ाम में हमेशा किसी विशेष विधि को नहीं दर्शाया जाता है, कभी इस विधि से ही बनाया जाए, अपनी इच्छा हो जिस प्रकार से जिस विधि से टोल कंस्ट्रक्ट करना है अपने को पूरा। सर्वप्रथम ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर लेते हैं, ये ए है ये बी है, जिसकी लंबाई है 40 mm और 4 सेंटीमीटर। बिंदु ए पर डी की सहायता से एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री का बिंदु लगाएंगे तथा बिंदु बी पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री का बिंदु लगाएंगे। बी से होती हुई रेखा तथा ए से होती हुई रेखा को खींचेंगे, अतः बिंदु ए तथा बी की जो लंबाई है इस लंबाई पर को प्रकार में नापेंगे, कंपास में नापेंगे, ए से मिलते हुए रेखा तथा बी से निकलने वाली रेखा पर आर्क खींचेंगे। अतः हमें बिंदु सी तथा एच प्राप्त होता है। बिंदु सी पर वापस डी रखेंगे, सी पर डी रखकर सी को केंद्र बिंदु मानकर या सी को बिंदु मानकर डी की सहायता से 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे तथा रेखा खींचेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बिंदु से होती हुई रेखा खींचेंगे। बिंदु एच पर रखकर 135 की रेखा
इधर भी खींचेंगे, ये रख वापिस सी पर रखकर इसी किसी जो आर्क पहले खींच रखा है उसको बिना हिलाए सी तथा एच से निकलने वाली रेखाओं पर आर्क खींचेंगे। अतः हमें सी के बाद ई बिंदु मिलेगा और एच के पहले जी बिंदु मिलेगा। अब जी बिंदु और ई बिंदु पर 135 डिग्री का कोण बनाएंगे, 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। ई बिंदु पर ये क्लॉकवाइज में बनेगा, क्लॉकवाइज में जो बनेगा वो ये 135 डिग्री, यहाँ से ये मिलाएंगे इस प्रकार ये। इसके बाद वापस ई बिंदु पर रखेंगे, इस लाइन पर आर्क खींचेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे इस आर्क तथा जो लास्ट में जो अंत में जो हमें एफ बिंदु तथा डी मिलेगा, सॉरी यहाँ डी और यहाँ ई और यहाँ एफ, ई और एफ जो बिंदु है उस ई और एफ बिंदु को मिलाने के बाद हमारे को एक ये 135, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण ये 135, ये 135, 135, 135, 135, 135 और 135, प्रत्येक कोण इसके 135 होंगे तथा ए बी सी डी ई एफ जी एच हमारे को एक सम अष्टभुज प्राप्त हुआ। अब है दिए गए बिंदु से रेखा खींचनी है, दिए गए बिंदु से एक दिए गए बिंदु से रेखा खींचनी है जो सरल रेखा के समानांतर हो। देखो दिया गया बिंदु क्या है, इसमें माना कि इसमें दिया गया बिंदु P है, ये सरल रेखा है, ये P है और ये सरल रेखा है, माना कि इसका नाम A भी दे देते हैं और बिंदु P है, इसके P से गुजरने वाली रेखा खींचनी है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा चाप खींचेंगे, A से दो बिंदु बनाएंगे, पहले इसको एक ये बनाया और इधर बी पर रखकर ये बनाया। अब दोनों चाप खींच लिए, अब हमारे को प्राप्त बिंदु सी और डी, सी को केंद्र बिंदु मानकर सी से पी कंपास में लेंगे, सी से पी कंपास में नापेंगे तथा डी बिंदु पर रखकर एक आर्क खींचेंगे। आर्क से पी तथा आर्क से होती हुई स्पर्श रेखा जो हमें प्राप्त होगी वो ए बी के समानांतर रेखा होगी। अब है किसी दिए गए आठ नंबर किसी दी गई रेखा को समान भागों में बांटना। सर्वप्रथम माने को भी दी गई रेखा है, माने 12 सेंटीमीटर रेखा है ये, इसको हमारे को समान माना कि ये भी रेखा है, इसकी लंबाई हम 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 12 सेंटीमीटर जो दी गई लंबाई की रेखा है उसको समान पांच भागों में बांटना है, माना कि तो पांच भागों में कैसे बांटेंगे, छः भागों में कैसे बांटेंगे। यहाँ से एक बिना नाप का कोण बनाएंगे, फिर तो रेखा बनाएंगे, ये वाली रेखा खींचेंगे, इस रेखा खींचने के बाद प्रकार को इतना खोलना है कि इस रेखा पर लास्ट तक आ जाए, बिंदु ए पर रखकर
छः बार आर्क खींचना है, छः भाग है तो इसका कोई दूरी नहीं होगी भी कितनी चौड़ा आर्क खोलना है। एक दो, छः बार आर्क खींचूँगा, दो तीन चार पाँच छः, अंतिम बिंदु को यह है एक दो तीन चार पाँच और छः, अंतिम बिंदु को बिंदु बी से मिलाने पर तथा इसके समानांतर रेखा जो बिंदु पाँच चार तीन दो और एक से होकर गुजरेगी वो रेखा ए बी पर ए बी को समान भागों में विभाजित करेगी। अब सिक्स से होती हुई रेखा जो खींचेंगे कैसे खींचेंगे हम, जैसे कि वैसे इसके अंदर मिनी ड्राफ्टर का यूज़ बेस्ट रहेगा, लेकिन मेरे पास मिनी ड्राफ्टर यहाँ नहीं लगा पाएंगे हम, इसलिए आपको क्या करना है, इसका मेन जो नियम है अंतिम जो बिंदु हैं उस बिंदु से समानांतर रेखा खींचनी है जो बिंदु पाँच चार तीन दो और एक से ऊपर गुजरे, जो रेखा ए बी को छः भागों में विभाजित करेगी। अतः हम इस प्रकार से यहाँ स्केल की सहायता से ही मिला देते हैं। अतः हमें जो बिंदु प्राप्त होते हैं जैसे ए बी हो गया, ए सी डी ई एफ जी, ये सभी जो अलग अलग भाग हैं ये समान कितने, पांच भाग है, एक भाग दो भाग तीन चार पाँच और छः, छः भाग है सॉरी, क्योंकि छः भाग की वो लग गया था। नीचे जितने भाग करोगे उसी भाग में आगे हमारे को रेखा प्राप्त होगी। अब कोण का संधिभाजन करना, कोण का संधिभाजन हो जाएगा किसी दिए गए चाप का केंद्र ज्ञात करना, किसी दिए गए चाप का, किसी दिए गए चाप का केंद्र ज्ञात करना, ज्ञात करना माना कोई भी दो पूरा चाप दिया गया है, आर्क दिया गया है, माना कि यहाँ से अपन आर्क खींचते हैं इस प्रकार से, इसका केंद्र बिंदु ज्ञात करना है, ये आर्क खींच रखा है और दो क्या दे रखे हैं इसमें, चाप दे रखे हैं, माना कि एक चाप ये है और एक चाप ये है। यदि इन चापों को माना कि एक चाप ये ए बी एक आर्क हैं, सी और डी ई और एफ ये दोनों इसके चाप हैं, जीवा है सॉरी, ये जीवा एक और ये जीवा दो। अब इन जीवा के जो केंद्र बिंदु होंगे या फिर इन जीवा के जो 90 डिग्री होती हुई जो रेखा होगी वो ही सेंटर लाइन को मिलेगी। जैसे कि इसका मैं हाफ करूँगा, जस्ट हाफ करेंगे तो आधे से ज़्यादा खोलेंगे, इधर काटा इधर काटा, वापस एप पे रखेंगे, इधर काटा और इधर काटा, ये हमारे को एक बेस बिंदु मिला है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारे पास सी और डी, सी डी वाला चाप भी है, इस चाप पर सी पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा रखना है, ये पूरा भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, आधे ज़्यादा रखा इधर और इधर, लाइन के दोनों तरफ चाप काटने के बाद हमारे को जो बिंदु प्राप्त होगा इन दोनों से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और जो बिंदु प्राप्त होगा, अतः आप समझ रहे हैं कि ये जो इसी बिंदु से हमने ने एक ये आर्क खींचा था लेकिन हमारे को वापस ये प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, किसी दी गए चाप की लंबाई ज्ञात करना। अब जो भी चाप दिया गया है माना कि उसका चाप कितना लंबा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी दिए गए चाप की लंबाई ज्ञात करना। अब माना कि चाप दे रखा है, उस चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करें, सर्वप्रथम चाप है ए बी है माना कि, ठीक है ये चाप है, मैं इसकी चाप बना रहा हूँ यहाँ पे ए और बी, इस प्रकार का ए बी चाप का लंबाई है कुछ भी, मेरे को भी आइडिया नहीं है कितना है ये। अब इसको क्या करेंगे, इस चाप को कितनी लंबाई है ये ज्ञात करनी है, यदि इसकी लंबाई के बराबर रेखा खींचनी है तो अब जो ए बी चाप है इसका केंद्र किससे खींचा गया है, ओ से, माना कि ये केंद्र ओ है इसका, यहाँ से मैंने ए बी चाप खींचा था, यहाँ रख कर ए बी चाप खींचा था, अतः ए से चाप ए बी को स्पर्श रेखा खींचो,
सर्वप्रथम क्या करना है, ए बी से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ये यहाँ से मिला रहा हूँ मैं यहाँ पे ए पर, यहाँ से मिला रहा हूँ बी पर, ये ओ, ए से ए बी पर एक स्पर्श रेखा खींचनी। स्पर्श रेखा कैसे होती है, इस स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या से 90 डिग्री के कोण पर बनती है, तो हमेशा इस पर इसको रखेंगे, इसको रखेंगे इस प्रकार से 90 पर। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इसका ये, इसके द्वारा हम एक जीवा खींचेंगे ए पर, आगे खींचनी नहीं हमारे को, ये खींच ली। अब क्या करना है हमारे को, ए और बी जो चाप हैं ए से बी जो चाप हैं इसको मिलाएंगे खींचने के बाद, अब क्या करना है अपने को, इसका हाफ करना है और इसके हाफ के बराबर आगे और बढ़ाना है ए सी, ठीक है। इधर से सी करेंगे, अब इसका हाफ कैसे करेंगे, आधे ज़्यादा चाप खोला ऊपर काटा, आधे ज़्यादा चाप नीचे काटा, ए पर रखा आधे ज़्यादा ऊपर काटेंगे और आधे ज़्यादा नीचे काटें। इन दो बिंदु जो हमारे को प्राप्त हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो हमारे को इस चाप की जो स्ट्रेट लाइन है जो है उस लाइन पर बिंदु मिलेगा। इस बिंदु से होती हुई ए बिंदु को केंद्र मानकर और इस बिंदु को इसकी त्रिज्या मानकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे को एक आर्क खींचना है, जो आर्क किसमें खींचेंगे, घड़ी की आर्क हो गया, और हमारे को बी ए को बढ़ाएंगे तो यहाँ सी मिलेगा, तथा ए जो ये है ये ए बिंदु यहाँ पे जो कोण है 90 डिग्री होगा, क्योंकि चाप किसी भी चाप के बाहर जो रेखा जाती है वो रेखा हमेशा कितनी होती है 90 डिग्री होती है। सी को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या सी भी लेकर एक चाप खींचेंगे जो डी पर काटेगा। हमारा क्या करना है, सी को केंद्र मानेंगे यहाँ पर और सी और बी को त्रिज्या मानेंगे, यहाँ से क्या त्रिज्या क्या मानेंगे, सी और बी, सी और बी की त्रिज्या को कड़ी की प्रदिशा में आगे बुलाएंगे। इस आर्क को तथा इस स्पर्श रेखा जहाँ मिलेगी इस बिंदु पर हमारे को एक डी बिंदु प्राप्त होगा, डी बिंदु पर मिलेगा। अब डी बिंदु जो ए डी जो चाप होगा वो ए बी लंबाई के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आर्क, इसको आर्क बोलेंगे सिंबल में ए आर सी, आर्क कौन सा, ए बी किसके बराबर होगा, रेखा मतलब लाइन ए डी के लंबाई के बराबर, इसका ये जो आर्क है इसकी लंबाई ए से डी की लंबाई के बराबर होगी।